बिहार में शिक्षक भर्तियों का दौर लगातार चालू है और अब आपके सामने BSS TET मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा अब विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने जा रही है और परीक्षा में फॉर्म भरने की जो आवेदन प्रक्रिया थी वो भी प्रारंभ हो चुकी है और उम्मीद करते हैं आप में से कुछ ने आवेदन भी कर लिया होगा। इस पूरे फॉर्म में आवेदन करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें आ रही है कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है। इसमें दो तरह के पद हैं, 1 से लेकर 5 तक मतलब प्राथमिक, 6 से लेकर 8 तक मतलब जूनियर। और जो इस पात्रता परीक्षा को फॉर्म भरने के बाद पास करने के बाद ही उस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो पाएगा। कौन कौन आवेदन कर पाएगा, इसका जो पाठ्यक्रम इसका सिलेबस है वो क्या है, और उससे बड़ी बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए प्रमुख अर्हता क्या, कि आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन, यूं कह सकते हैं कि अगर आप स्पेशल यहां पर जो विशेष BTC, विशेष DLED और विशेष BEd है तो आप आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल इस पर पूरी तरह से इस आवेदन फॉर्म को पूरा पढ़ेंगे और इस विज्ञप्ति को और इसके उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा पर चर्चा करेंगे ताकि आपके सारे डाउट भी इस सेशन में क्लियर हो जाए। पहली बात तो ये जान लीजिएगा BSS TET जो है अर्थात बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 आयोजन के संबंध में उक्त परीक्षा सम्मिलित होने वाले मतलब जो भी दस्तावेज है एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर यह 10/10/2023 के माध्यम बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो BSS TET 2023 के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें अगर हम बात करें पदों की संख्या 1 से लेकर 5 तक में कुल 5,000 मतलब अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 5 तक में जो कुल पद है वो 5,534 पद है मतलब 1 से लेकर 5 तक। अगर हम बात करें 6 से लेकर 8 तक मतलब अगर हम ये बात करें कि 6 से लेकर 8 तक में कुल कितने पद है तो लगभग 1745 पद है, 1745 पद है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 6 से लेकर 8 तक है उनमें पदों की संख्या कम 1745 है, लेकिन 6 से लेकर 8 तक में 1745 और 1 से लेकर 5 तक में 5,534 पद है मतलब लगभग 7,500 से ज्यादा पद है दोनों मिलाकर। लेकिन कौन आप आवेदन कर सकता है, इसमें फॉर्म भरने की जो संख्या होगी काफी कम होगी उस पर भी हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर इस नियुक्ति के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो 2 दिसंबर से शुरू है मतलब आवेदन शुरू हो चुका है। आप इस वीडियो को 3 दिसंबर को देख रहे हैं, लेट नाइट ये शूट किया गया है और 22 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे, माने आवेदन करने की जो समय है वो 20 दिनों का है, 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन इसे नहीं आवेदन कर पाएंगे, माने आवेदन जो करना है वो इस वेबसाइट पर जाकर वैसे देख रहे www.bsebstet.com पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। अब परीक्षा के लिए कुछ विषय जो है जो उसका पाठ्यक्रम है वो हम लोग जान लेते हैं, उसके तरफ अगर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे तो जो सीटेट का सिलेबस है उसी के तर्ज पर है। मतलब यहाँ पर हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें 2 पेपर में होना है। अगर हम प्रथम पेपर की बात करेंगे तो 1 से लेकर 5 तक है, द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करेंगे 6 से लेकर 8 तक में, मैंने प्राथमिक और जूनियर एकदम क्लियर है। यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र जो है पहला 1 से 5 तक है, द्वितीय जो है 6 से 8 तक है, मतलब यूं कह सकते हैं जो फर्स्ट है वो 1 से 5 और जो सेकेंड है वो 6 से लेकर 8 तक है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो प्रथम और द्वितीय दोनों आवेदन कर सकते हैं, माने प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो। आगे हम देखेंगे इसका जो पाठ्यक्रम है सिलेबस क्या है। अगर प्रथम प्रश्न पत्र की बात की जाए तो जो प्रथम प्रश्न पत्र इसकी वजह से डिटेल सिलेबस की वीडियो आपको डाल देंगे, डिटेल में आप इसका सिलेबस भी देख पाएंगे। यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विशेष सामाजिक शिक्षा के संदर्भ में यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों के होंगे। और इस प्रकार भाषा फर्स्ट जो होगी अनिवार्य है, इसमें हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक ले सकते हैं। अगर हिंदी लेते हैं तो ई-लर्निंग में हिंदी के उपलब्ध है, उर्दू बांग्ला के नोट्स नहीं उपलब्ध है तो हिंदी भी ले सकते हैं, जहां से 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के। भाषा द्वितीय अनिवार्य अंग्रेजी, मैंने अब द्वितीय लैंग्वेज जो है आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है, अगर भाषा द्वितीय की बात करें तो यहाँ पर अनिवार्य रूप से इंग्लिश रखना है। कुछ लोगों का कहना है सर क्या मैं यहाँ पे संस्कृत रख सकता हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि सर क्या मैं यहाँ पे संस्कृत रख सकता हूँ, जी नहीं, 30 प्रश्न 30 अंक माने भाषा से 60 प्रश्न आएंगे, गणित 30 प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न है 30 अंकों के। इसका जो कंप्लीट सिलेबस है उसकी एक वीडियो हम बना देंगे, अगर आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे शेयर करेंगे तो आप तक पहुंचा देंगे। इसकी निःशुल्क क्लासेज आपकी शुरू हो जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी भी अध्ययन कर सके। अगर द्वितीय प्रश्न पत्र की हम यहाँ पे बात करें जो दूसरा है
द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें 6 से लेकर 8 तक के लिए, ठीक, इसमें 6 से लेकर 8 तक के लिए जो है इसमें सीडीपी जो है बाल विकास 30 प्रश्न है, भाषा फर्स्ट हिंदी उर्दू बांग्ला में इसको एक रखना, अगर आप हिंदी रखते हैं तो 30 प्रश्न है, द्वितीय भाषा अनिवार्य अंग्रेजी भी रख सकते हैं, हिंदी भी सकते हैं, उर्दू बांग्ला संस्कृत, लेकिन ध्यान रहे जो भाषा फर्स्ट में आपने चुनाव किया है वो द्वितीय में नहीं, अगर फर्स्ट में आपने हिंदी ले रखा है तो सेकंड में आप हिंदी नहीं ले सकते, फर्स्ट में अगर आपने बांग्ला ले रखा है तो सेकंड में बांग्ला नहीं ले सकते, मतलब आप एकदम बात साफ है कि जो भी साथी भाषा फर्स्ट जो है वो सेकंड ले सकते हैं, ये कह सकते हैं अगर आपने भाषा फर्स्ट हिंदी ले रखा है सेकंड में आप संस्कृत भी ले सकते हैं या सेकंड में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, यूं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा 60 नंबर, ये सब 30-30 नंबर के हैं, अब 60 नंबर में साइंस वालों को गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को SST, माने यहां पर इनके 60 अंक आएंगे और जिन्होंने गणित विज्ञान लिया उनका 60 अंक यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे, माने गणित विज्ञान के लिए गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान। और ये जो लेवल होगा, समझने वाली बात है, प्राइमरी का जूनियर लेवल है और जूनियर का माध्यमिक लेवल है, इसलिए ये चीजें आपको समझना जरूरी है। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे, जो पाठ्यक्रम होगा 1 से लेकर 5 तक पेपर फर्स्ट का, 1 से लेकर 5 तक का होगा, लेकिन इसकी जो कठिनाई स्तर होगी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होगी, जो इसका लगाव होगा, लिंकेज होगा, वो माध्यमिक स्तर का हो सकता है। किस स्तर का होगा? वो माध्यमिक स्तर का होगा, माने इसके लिए जो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी जो नोट्स आप पढ़ेंगे वो 6 से लेकर 8 तक, यूं कह सकते हैं 1 से लेकर 8 तक आपको तैयार करना है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पेपर द्वितीय की बात करते हैं तो यहाँ पर राज्य सरकार कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो पाठ्यक्रम है, जो उसका पाठ्यक्रम 6 से लेकर 8 तक हुआ, लेकिन जिसकी कठिनाई स्तर की अगर हम बात करेंगे तो उसकी जो कठिनाई स्तर है वो क्या होगी, वो यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक स्तर का हो सकता है, उच्चतर माध्यमिक स्तर का हो सकता है, माने कठिनाई स्तर ज्यादा रहेगी और जो सिलेबस पाठ्यक्रम होंगे वो उसी के आधार पर होगा। अगर परीक्षा की पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी बातें स्पष्ट होगी, ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में होने वाली है, माने ये परीक्षा ऑनलाइन होगी और यहाँ पर हम फिर से बात करेंगे बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS TET 2023 के सभी प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, माने MCQ होंगे। एक सवाल आता है क्या नकारात्मक अंक होंगे? जी नहीं, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक एक अंक निश्चित है, 150 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, समय भी जो होगा वो 150 मिनट का होगा जिसे हम 2.5 घंटा कहते हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक एक अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह इंपॉर्टेंट है, कई लोग इससे सवाल पूछ रहे थे, इसमें नकारात्मक अंक नहीं है, इसमें जितने भी प्रश्न आप आ रहे हो जवाब दीजिए, नहीं आ रहे उसके भी जवाब दीजिए, छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। परीक्षा जो होगी कंप्यूटर बेस्ड है, जो CBT मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगी, यहाँ भी स्पष्ट हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग और उत्तरांक की बात किया जाए तो भैया इसका उत्तरांक क्या है, तो सामान्य अगर हम बात करें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 26/7/2007 के आलोक में जो बिहार जो उत्तरांक है वो सामान्य के लिए 50% है, ध्यान दीजिएगा सामान्य के लिए 50% था 75 अंक होगा, तो पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% अंक, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40% अंक है, ठीक। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानना जरूरी था। अब इसमें आवेदन कौन कर सकता है? जी हाँ, इसमें बिहार के अलावा भारत का कोई भी नागरिक माने किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर है पाठ्यक्रम की बात करें, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो पाठ्यक्रम है वो इसकी एक अलग हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, इस वीडियो को देखने के बाद इलर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अनिवार्य अर्हता क्या? आवेदक भारत का नागरिक हो, माने बिहार के अलावा किसी भी राज्य के अगर आप नागरिक हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप इतनी योग्यता को फॉलो करते हैं। आगे हम बात करें आयु सीमा क्या होगी, तो आयु सीमा 18 वर्ष न्यूनतम और सामान्य के लिए 37 वर्ष है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिहार परीक्षा अंतर्गत 1 से 5, 6 से 8 तक के लिए जो कट ऑफ है 1/8/2023 का न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, माने 1/8/2023 को 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। और यहाँ पर जो जो काम की चीजें थी वही एक एक करके मैं आपको बताने का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब शैक्षिक योग्यता, ये सबके मन में था कि यार हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं, हम इसमें आवेदन कर पाएंगे नहीं, ये आपके भी मन में डाउट रहा होगा, ये प्राय लोगों के मन में डाउट रहा था, उस डाउट को हम यहाँ पे देखेंगे। वर्ग 1 से लेकर 5 तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DELED हो, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट लाइन है, विशेष शिक्षा स्पेशल
एजुकेशन की बात कर रहा है, विशेष शिक्षा में डीएल नायडू तथा भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआई नंबर भी धारित करता हो। ठीक, ये बीटीसी भी हो सकता है, विशेष शिक्षा के बीटीसी भी होते हैं, डीएल भी होते हैं अगर आपने किया है। और ये 50% मार्क अगर हम 10+2 की बात करें तो उसमें 50% मार्क होने चाहिए थे। आगे कह रहा है, वर्ग 1-5 की विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा तो बिहार राज्य द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते पात्रता परीक्षा की अन्य सभी शर्तों को वो पूरा करता हो। 1-5 तक में यहाँ पे है विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा तो इंटरमीडिएट में 50 अंकों के बांग्ला में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, बशर्ते पात्रता परीक्षा में अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो। फिर भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान विशेष शिक्षा में डीईएलएड है उनका, या सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो डीईएलएड के समकक्ष हो, माने ऐसा जो यूं कह सकते हैं कि जो विशेष शिक्षा का डिप्लोमा के समकक्ष है वो प्राथमिक आवेदन कर सकते हैं, और जो डिग्री बीएड के समकक्ष होगा वो 6-8 में आवेदन कर पाएंगे। तो यही लाइन पूरा स्पष्ट करता है। अब अगर हम 6-8 तक की बात करें तो वही समझ फिर चीजें आ जाएंगी। 6-8 तक की विशेष विद्यालय अध्यापक आवश्यक शैक्षिक प्रत्यक्ष योग्यता में 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो, और भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआर नंबर धारित करता हो, माने विशेष शिक्षा के साथ वो बीएड हो, ध्यान दीजिएगा वही कर, विशेष शिक्षा में बीएड हो और ग्रेजुएशन 50% से ज्यादा अंक हो तो वह इस प्रतियोगिता में आवेदन कर पाएगा। इसके लिए कुछ लोग कह रहे क्या सीटेट पास होना अनिवार्य, जी नहीं, ये एक तरह से खुद का टेट है। कुछ लोग कह रहे क्या बीटेट अनिवार्य, जी नहीं, ये खुद का अपने आप में टेट परीक्षा है। बीएड के साथ अगली कह रहे बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो अथवा भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआर नंबर धारित करता हो, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि चीजें स्पष्ट, अगर आप इतनी योग्यता आधारित करते हैं तो फॉर्म जरूर भरेगा, क्योंकि फॉर्म भरने की लोग संख्या काफी कम होगी, क्योंकि कम लोग हैं जो स्पेशल एजुकेशन होते हैं से बीटीसी डीएलएड डीएड या बीएड होते हैं, इसलिए आप जो आवेदन करेंगे उन अगर परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनकी नौकरी पाने की जो संभावना है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है 6-8 तक वाले में कुछ विशेष बातें हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा शायद बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष इंटरमीडिएट और समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होंगे, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया, मतलब वही इंटर और ग्रेजुएशन की बात यहाँ पर है। यहाँ पे कुछ और बातें हैं, कक्षा 6-8 तक की बात करें, अगर हम यहाँ 6-8 तक यहाँ पे बात करें तो जो है भाषा संस्कृत हिंदी बांग्ला अंग्रेजी उर्दू के आवेदक द्वारा स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अनुशांसिक विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित भी हो, मतलब अगर 6-8 तक में अगर आप हिंदी विषय चूज कर रहे हैं तो अपने ग्रेजुएशन में उसे हिंदी के रूप में पढ़ाओ, अंग्रेजी चयन करें अंग्रेजी पढ़ाओ, मतलब जिस भाषा का चयन कर रहे हैं उसे ग्रेजुएशन स्तर पर आपने पढ़ा हो तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 6-8 तक की विद्यार्थी पात्रता सामाजिक विज्ञान की हम बात करें, इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर आप इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र अर्थशास्त्र वाणिज्य मनोविज्ञान समाजशास्त्र गृह विज्ञान में से कोई दो विषय अगर आप पढ़े हैं तभी आप एसएसटी से आवेदन कर पाएंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे एसएसटी से आवेदन कर पाएंगे। इनमें से अगर कोई दो विषय आपने पढ़ा है, चाहे इतिहास पढ़ाओ भूगोल पढ़ाओ राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र अर्थशास्त्र वाणिज्य मनोविज्ञान समाजशास्त्र गृह विज्ञान, वाणिज्य का मतलब कॉमर्स होता है, कॉमर्स के साथ अगर आपने उसमें अर्थशास्त्र ले रखा है। 6-8 तक में अगर हम बात करें गणित और विज्ञान विषय स्नातक स्तर पर गणित भौतिक रसायन जीव विज्ञान में से कोई दो विषय हो, ठीक, इसमें से अगर आप ग्रेजुएशन स्तर पर कोई दो विषय अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो एकदम यहाँ पे चीजें साफ और स्पष्ट हो चुकी है। ठीक, यहाँ पर अन्य अर्हताओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर रख लें, वैसे इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर भी है और इसकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ठीक, प्रमाण पत्र की बात करें तो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो BSSTET है 2023 में पेपर फर्स्ट और सेकंड उत्तीर्ण सभी उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे, और इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, माने जो प्रमाण पत्र होगा BSSTET का वो जीवन पर लाइफ टाइम होगी। तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क क्या है, अगर पेपर सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य पिछड़ा जो यहाँ सामान्य है 960 रुपये एक पेपर का, दोनों पेपर एक या दो मतलब कोई एक पेपर भरते हैं तो 960 रुपया, दोनों पेपर एक साथ भरते हैं 1440 रुपया है, और सोचिए जाति जनजाति दिव्यांग के लिए 760 है, कोई एक पेपर भरते हैं पेपर फर्स्ट या सेकंड दोनों भरते हैं 1140।
नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक पर हम आगे बात करें। नॉर्मलाइजेशन तब होगा, ध्यान समझने का प्रयास करेगा, जब परीक्षा का कई चरणों में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा संख्या होगी कि पेपर को कई चरणों में कराना पड़े, एक ही चरण में परीक्षा संपन्न हो सकती है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की संभावना बहुत कम है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा उस पर हम लोग आगे बात कर लेंगे। नॉर्मलाइजेशन होने पर अगर पहले ज्यादा नंबर है लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर आप प्राप्तांक जो उत्तीर्णांक है उससे अगर कम अंक प्राप्त करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, वही चीज स्पष्ट कर रहा है। ठीक, एकदम ये चीज स्पष्ट है। परीक्षा की अवधि ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी, ढाई घंटे का पेपर मैंने 150 मिनट में होगा, और बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसी पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया यूलोनी विद दुर्गेश की वीडियो में आपको उपलब्ध है, और आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्म भरने भुगतान करने की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें एक एक करके दिया गया है किस तरह से आपको क्या क्या चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप करनी है। ठीक, और ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद उसके स्क्रीनशॉट भी अपने पास जरूर सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट भी आपके काम आ सकती है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो परीक्षाओं को लेकर काफी संशय में थे कि सर इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे हम फॉर्म भरेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी, तो एक एक करके मैंने यहाँ पर स्पष्ट चीजें बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसके जो नोट्स है, अगर मैं नोट्स की बात करूं तो यहाँ पर जो नोट्स है, इलोनी विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स संबंधित सभी जानकारी मिल जाएंगी। देखिए, अगर आपके पास सीटेट का नोट्स होगा तो इसमें काफी काम आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सीटेट का नोट्स अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपके काफी काम आने वाला है। फिर भी अगर आप चाहें तो इलोनी विद दुर्गेश सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ में उपलब्ध है, हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है, और टेलीग्राम पर अगर आप चाहते हैं इसके सभी निःशुल्क पीडीएफ मिल जाए तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर्च करके इलोनी विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरी निःशुल्क क्लासेज भी इलर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, शेयर नहीं किया तो शेयर करेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेगा। इसके अलावा यूट्यूब पर एक चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, इस पर जो बाकी क्लासेज होंगे स्टडी विद दुर्गेश सर पर और सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उन दोनों चैनलों पर भी इसके डेली लाइव क्लासेज की वीडियो आपको मिलती रहेगी। वैसे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक साझा जरूर करिएगा, और अगर कोई सवाल कोई प्रश्न उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपके सवालों के जवाब मिल जाए। तो क्या आप स्पेशल एजुकेशन से बीटीसी डीएलएड डीएड हैं या बीएड हैं, कमेंट करिएगा तो आपको यहां पर आवेदन जरूर करना चाहिए, क्योंकि तो आपके लिए अच्छा सुनहरा बेहतरीन मौका है सिलेक्शन पाने का। फिलहाल मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप इस वीडियो को सभी लोगों तक साझा करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, और इसकी जो कंप्लीट सिलेबस उसकी एक और अलग वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम इसके कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे, ताकि हर एक बिंदु हर एक टॉपिक को हम छू सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।